नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस कर्नाटका। मैं हूं रशिका। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटका के समाचारों से। विविध मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया हड़ताल। कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका फेडरेशन ने विविध मांगों को लेकर किया राज्यव्यापी हड़ताल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मांगे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र को अंग्रेजी कॉन्वेंट बनाया जाए। कुछ निवृत्ति कार्यकर्ता और सहायकी को अब तक एनपीएस का पैसा नहीं दिया गया और उसे तुरंत देने के लिए मांग रखा। गोवा सरकार के अनुरूप गौरव धन देने और 60 वर्ष के अतिरिक्त निवृत्ति होने वालों को प्रति माह 6,000 रुपए देने के लिए मांग रखे और इन मांगों को पूर्ति न करने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दिया। हाँ। आपका नाम बोलो। तबरेज अंसारी के हत्या का खंडन कर गुलबर्गा में किया प्रदर्शन। 24 जून 2019 को मासूम तबरेज अंसारी को बेरहमी से मारकर भगवा आतंकियों ने किया था कत्ल। इस हत्या का खंडन करते हुए गुलबर्गा में सामूहिक तौर पर आक्रोश जताते हुए किया खंडन और हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग भी किया गया। कुछ सालों से मुल्क के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं, महात्मा गांधी के खातिल को देशभक्त का खिताब दिया जा रहा है और महात्मा गांधी के खातिल को भगवान माना जा रहा है और हमारे जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं बीजेपी से चुनकर आए वो तमाम एमपी अपनी ज़बान से अपने मुंह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं। जब भी बयान देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जात पात के नाम पर जहर उगलते हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जो कभी खामोश नहीं रहने वाले, वो कभी उनसे भी इशू पे बार बार बात करने वाला प्रधानमंत्री, वो मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म होता है, किसी पर मॉब लिंचिंग होता है तो उस वक्त वो खामोश रहते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर मुल्क में लैंड ऑफ लॉ होना चाहिए, लैंड ऑफ लिंचिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर जगह पर लिंचिंग हो रहा है और इसके खिलाफ मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मजम्मत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। आज यहाँ पे जमा होने का हमारा मकसद मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ में, यहाँ के इंसानियत के ऊपर जो खून हो रहा है उसके ख़िलाफ़ में हम जमा हुए हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं उसको क्यों सीरियस नहीं ले रहे? नारा तो लगा दे सबका विश्वास, अगर वो नारा सच करके बताना है तो आप फौरन ऐसे खातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी दिया जाए तो जब आपका नारा सच्चा होगा, वरना आपका नारे में सच्चाई नहीं है, आपके नारे में बनावट है। सिर्फ आप सियासत करने के लिए और अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए इस तरह से आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग मत कीजिए। आप अब हकीकत रियलिटी पे आप काम कीजिए। तबरेज अंसारी का कत्ल हुआ, आपका काम था, आपको जाना था उनकी बीवी को, इनके फैमिली को जाके आप सब्र दिलाना था, उनको इत्मीनान दिलाना था कि हम आपके साथ हैं। आप सबका विश्वास बोलते हैं लेकिन विश्वास करते नहीं आप, बस आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप जो है इंसाफ करें और इंसाफ दिलाएं तबरेज अंसारी को। आईएमए फ्रॉड, राजस्व विभाग का सहायक आयुक्त गिरफ्तार। आईएमए कंपनी के धोखाधड़ी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने बेंगलुरु उत्तर संभाग के राजस्व विभाग के सहायक आयुक्त एलसी नागराज को गिरफ्तार कर पूछताछ की और बयान रिकॉर्ड किए। आईएमए धोखाधड़ी मामला सामने आने से पहले ही नागराज ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर कंपनी की संपत्ति जब्त करने से संबंधित सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद भी आईएमए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2016 और 2019 में दो बार कंपनी के वित्तीय कारोबार पर संदेह व्यक्त करते हुए आरबीआई ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए थे।
मुख्य सचिव के आदेश पर केपीआरडी कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच कराई गई। नागराज को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि नागराज ने निवेशकों से बयान लिए बगैर ही मामले को निपटा कर कंपनी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। नागराज ने सरकार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि जांच के समय निवेशकों ने कोई सहयोग नहीं किया। नागराज पर मंसूर खान से 4.5 करोड़ रुपए लेकर उसके पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। एसआईटी ने उसी आधार पर नागराज को गिरफ्तार किया। रेल कर्मचारियों ने किया सत्कार्य। यात्री हितेशी सेवाओं को प्राथमिकता देने में भारतीय रेलवे सदैव प्रयासतर रहता है। इसी क्रम में दक्षिण पश्चिम रेलवे के रेल कर्मचारियों की सतर्कता के कारण ट्रेन में सफर कर रही एक गर्भवती महिला यात्री को समय पर चिकित्सा सुविधा मिली, जिससे महिला की गोद में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। दपरे के अनुसार एक दंपति संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन बेलगावी जिले के कानपुर से गुजर रही थी। उसी दौरान गर्भवती महिला यात्री को दर्द होने लगा। दंपति ने तत्काल टीटीए श्रीनिवास की मदद से बेलगावी रेलवे स्टेशन पर फोन किया और चिकित्सा सहयोग की मांग की। स्टेशन प्रबंधक सुरेंद्र प्रकाश ने सतर्कता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया और जब तक ट्रेन बेलगावी पहुंची, एम्बुलेंस तैयार थी। रेलवे कर्मचारियों की मदद से महिला को ट्रेन से उतारकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया और फिर केएलई अस्पताल बेलगावी में दाखिला कराया गया। रेलवे कर्मचारियों से मिले सहयोग के कारण दंपति के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। करीब 10 दिनों के बाद दंपति ने बेलगावी रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर सुरेंद्र प्रकाश और अन्य कर्मचारियों से भेंट की तथा उन्हें मिठाई खिलाकर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। रायचूर में हुआ राउडी शीटर का खून। रायचूर रेल स्टेशन पर 42 साल का लक्ष्मण नामक राउडी शीटर को 3 लोगों ने डंडे और तलवारों से मार कर किया कत्ल। मृतक व्यक्ति रायचूर जिले के कुलसुम्बी गली का निवासी है। फिलहाल हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस काम में लगी है। और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।